नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जहानागंज के मित्तूपुर ग्राम सभा में हुआ। कबड्डी आयोजक प्रभुनाथ राय ने इस दौरान हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि आज आधुनिक युग में युवा वर्ग पुरानी परंपराओं से दूर हो रहे हैं। कबड्डी बहुत ही पुरानी परंपरा है, इसको जीवित रखने के लिए प्रतिवर्ष हम इसका आयोजन करते हैं। इस आयोजन में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। कबड्डी खेलने से हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा और स्फूर्ति होती है और शरीर भी चुस्त और दुरुस्त बना रहता है। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ परमहंस पाठक ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में हजारों लोग भाग लिए। आजमगढ़ सहित अन्य जिलों के कबड्डी प्रेमी खिलाड़ी भी इस आयोजन में आए हुए थे। इस मौके पर परमहंस पाठक ने कहा कि कबड्डी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कबड्डी हमें न्याय सिखाती है। जब खेल के मैदान में हम एक दूसरे से खेलते हैं तो उस समय अपने जीत की तरफ ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्र के हजारों जनता भी कबड्डी के शानदार आयोजन को देखने के लिए उपस्थित रही। वर्धन के लिए उत्साह के लिए कि हमारे गांव के बच्चे इसे ग्रामीण अंचल से उठ के जिले से राष्ट्रीय तक पहुँच पाने की हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि लोग लगे रहें, फिजिकली फिटनेस रहे, मजबूत रहे, गेम में न जा सके तो फिजिकली मजबूत रहेंगे, फौज के लिए देश के लिए सेवा करें। इस उपलक्ष्य में तो हमारे बड़े भाई साहब बड़े इंटरेस्टेड हैं, उनका नाम है विपुल राय जी आए और ये इनका उत्साह रहता है, हम लोगों का सहयोग रहता है और ये खिलाड़ी भाई हमें यहाँ कितने सालों से आयोजन मेरा आग मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, मेरा जन्माइश और पैदाइश दिल्ली हुई, तो मैं यहाँ 2003 में आया, तो 2003 से मैं अपनी भाई आँखों देख रहा हूँ कि यहाँ हर वर्ष चाहे वो ये कौन सा त्यौहार बीता है पचैया के कंटिन्यू लोग रिहर्सल करते हैं और हर वर्ष एक दिन मुकर्रर करके उस दिन इस तरह से आपको आप देख रहे हैं। इससे बेहतर व्यवस्था देने के हम लोग काम करते हैं। किन किन खेलों को आप लोग जो है यहाँ पे आयोजित करते हैं, किन किन लोगों को, कौन कौन सा खेल का आयोजन आपके गाँव में होता है? हर वर्ष कबड्डी का इतना निश्चित है, इसके बाद वॉलीबॉल वगैरह लोग बच्चे आके अपना खेलते हैं, रिहर्सल करते हैं, उनके मन में आता बैट बॉल भी खेल लेते हैं, सारी क्रीड़ाएँ यहाँ लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, आप अपने ग्राम स्तर पे कोई ऐसा सरकारी योजना है जिसको चाहते हैं कि बच्चों को डेवलप किया जाए? सर आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि हमारे गांव में आज की हालात अगर देखे जाए, कोई भी बड़ा उच्च अधिकारी आकर के देखे तो ये देख सकता है कि हमारे यहाँ का जो जिसको हमने मुखिया राजा बनाया वो उसकी गतिविधियाँ क्या और हमारे गांव का डेवलपमेंट क्या, लोग हम लोग कैसे जीवन अब और इसमें फिर भी हम लोग थोड़ा मैनेज करते हैं, खेलने कूदने का काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे जो नौजवानों के लिए व्यवस्था है खेल कूद के प्रांगण की, जो हमारे इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बावजूद जिस ग्राम सभा के नाम से जिला पंचायत बनी, उस जैसी ग्राम सभाओं में इस नवयुवक बच्चों के लिए खेल कूद के लिए बहुत ग्राउंड के लिए बहुत अभाव है, जो कि हम लोगों की एक फिटनेस के लिए और एक मजबूत करने का एक जरिया है। उसे हम आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे और अपने ग्राम प्रधान को भी हिदायत देंगे कि ऐसी व्यवस्था जल्द से जल्द करावें ताकि यहाँ के बच्चे खेल। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।